हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। अपार्टहाइड एक ऐसी टर्म है जिससे एक जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया में या देश में कोई एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप के साथ ऑप्रेस करता है, दमनकारी नीति अपनाता है या भेदभाव करता है, इसको अपार्टहाइड बोलते हैं। और इसका एक सबसे जीवंत उदाहरण है साउथ अफ्रीका, जिसने अपार्टहाइड के नियम बना रखे थे अपने देश में। और साउथ अफ्रीका में ऐसा होता था कि वहाँ पर गोरे लोग संख्या में तो कम थे, लेकिन जो टॉप पोजीशन होती थी गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन पर गोरे लोग थे, लेकिन काले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो वहाँ पर उन्होंने काले लोगों को ऑप्रेस करने के लिए एक नीति अपनाई जिसका नाम था अपार्टहाइड पॉलिसीज़। और ये 1948 से लेकर 1990 तक चली। और इसमें ऐसा होता था कि गोरे लोग ने काले लोगों को वोट करने तक का अधिकार नहीं दिया था। अरे उसको वोट छोड़ो, बेसिक ह्यूमन राइट क्या चीज़ होती है वो तक नहीं देते थे वो लोग। खैर 1990 में ये अपार्टहाइड की जो पॉलिसी साउथ अफ्रीका ने ख़त्म कर दी, और इसका पूरा क्रेडिट नेल्सन मंडेला को जाता है, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। और आपने देखा भी होगा कि 1990 से पहले साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम खेलती नहीं थी इंटरनेशनल मैच। तो ये सब अपार्टहाइड की पॉलिसी से हुआ, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर साउथ अफ्रीका के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। और इसके अलावा जो करंट सिचुएशन में जो देश है जो अपार्टहाइड की पॉलिसी अपना रहा है वो है इज़राइल। इज़राइल के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, मिलिट्री है, जिसके दम पर कोई देश इसके खिलाफ बोलता नहीं है, लेकिन फील तो सभी करते हैं ना। और इज़राइल अरब लोगों और फलस्तीनी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं देता है। लेकिन अब इतिहास में पहली बार यूरोप की एक पार्लियामेंट ने इज़राइल को एक अपार्टहाइड स्टेट मान लिया है। और इसके लिए उसने एक रिजोल्यूशन था, वो पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस पार्लियामेंट में उसको पास कर दिया गया है। तो कौन सा है वो पार्लियामेंट जहां पर ये रिजोल्यूशन पास किया गया है, जिसके द्वारा इज़राइल एक अपार्टहाइड स्टेट घोषित किया गया है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है मिडिल ईस्ट आई, कैटालोनिया रिकग्नाइजेज इज़राइल कमिटिंग क्राइम ऑफ अपार्टहाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। रेजोल्यूशन कॉल ऑन गवर्नमेंट ऑफ कैटालोनिया स्पेन टू होल्ड इसराइल अकाउंटेबल। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट आई ने यहाँ पर यह स्टोरी को कवर किया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो दुनिया भर में जो इसराइल की जो लॉबी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाहर ज़्यादा आ नहीं पाती हैं। और इसी तरह से मिडिल ईस्ट मॉनिटर, कैटालोनिया पार्लियामेंट रिकग्नाइज इसराइल्स क्राइम्स ऑफ अपार्टहाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, 17 जून का आर्टिकल है ये। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कैटालोनिया आखिर है कहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैटालोनिया है वो स्पेन में एक ऑटोनोमस स्टेट है, यानी कि वहाँ पर एक रीजनल गवर्नमेंट है जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी खुद की डिसाइड होती है। ये भारत में भी ऐसा हुआ था जब 2019 में से पहले, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो उससे पहले ये ऑटोनोमस स्टेट था, यानी कि जो भी कानून बनते थे वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट, वहाँ की जो सचिवालय था वो अपने लिए खुद कानून बनाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर कैटालोनिया का भी हिसाब है कि यहाँ पर वो जो पार्लियामेंट होगी कैटालोनिया की, वो अपने कानून खुद बनाएगी। आपने बार्सिलोना का तो नाम ज़रूर सुना होगा, वो कैटालोनिया की ही राजधानी है, बार्सिलोना, एफसी बार्सिलोना, जो काफ़ी मशहूर है फुटबॉल की दुनिया में। और ये जो कैटालोनिया है वो काफ़ी बड़ा, मतलब कि मैं कहूँ तो स्पेन का सबसे मजबूत राज्य है जीडीपी के मामले में, सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आया वो यहीं की है। तो यहाँ पर कैटालोनिया के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें इसराइल को एज ए अपार्टहाइड स्टेट घोषित किया गया है। और ऐसा करने वाली कैटालोनिया की पार्लियामेंट यूरोप की पहली पार्लियामेंट है, इससे पहले कोई भी पार्लियामेंट ने इसराइल को एज ए अपार्टहाइड स्टेट घोषित नहीं किया था। और ये आरोप भी लगाए हैं कि इसराइल ने फलस्तीनी लोगों के साथ क्राइम किया है और फलस्तीनियों के अगेंस्ट भेदभाव वाली अपार्टहाइड पॉलिसी को अपनाया है। और इस बिल में इसराइल को एक्यूज़ किया गया है कि इसराइल ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इंटरनेशनल कानूनों का वायलेशन होता है। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रोम स्टेट्यूट के आर्टिकल 7.2H के अनुसार भी इसराइल अपार्टहाइड स्टेट होने की पूरी योग्यता रखता है। तो ये है कैटालोनिया की संसद में हुआ। और इसके लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर ये प्रस्ताव लाया गया था, उसने यहाँ पर ट्वीट किया है कि पार्लियामेंट द फर्स्ट यूरोपियन इंस्टीट्यूट टू रिकग्नाइज दैट इसराइल इज़ ए कमिटिंग ए क्राइम ऑफ अपार्टहाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल एज नोटेड इन, जो भी उन्होंने कहा है इस कैटालोनियन लैंग्वेज में कहा है या ट्रांसलेट किया गया है। कैटालोनिया और स्पेनिश समझ लिया कि कुछ 18-20 का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो ये रेजोल्यूशन 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था तब लाया गया था, लेकिन तब इस पर चर्चा हुई और इसके लिए कैटलोनिया की जो रीजनल सरकार में शामिल सभी पॉलिटिकल पार्टी ने मीटिंग रखी थी, जिसमें ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे और कुछ इंस्टीट्यूट भी शामिल थे जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड काम देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हम किसी भी अपार्टेड स्टेट की कोई मदद नहीं करेंगे बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ये लीगली बाइंडेड रेजोल्यूशन है। वैसे देखा जाए तो इसराइल पर इस रेजोल्यूशन के पास होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसराइल ऐसे रेजोल्यूशन की केयर भी नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से यूरोप में इसराइल के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हो रही है तो इससे यूरोप के दूसरे देश जो इसराइल से संबंध रखते हैं वहाँ भी इसराइल के अपार्टेड पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठेगी। और ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत से जो यूरोप के बाकी देश है वो देश भी शायद इस तरह के कुछ एक्शन ले, और एक्शन ना भी ले तो इन देशों में इसराइल की अपार्टेड पॉलिसी के खिलाफ लोगों की आवाज़ उठेगी, तो इससे प्रेशर तो उन देशों की सरकारों पर आएगा और जब सरकार पर दबाव आएगा तो इसराइल को ये ज़रूर कहेगी कि अपनी अपार्टेड पॉलिसी को बंद करो। और कुछ ऐसा ही कैटलोनिया में हुआ है, जिससे कैटलोनिया के साथ साथ स्पेन की सरकार भी जितने भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इसराइल की सरकार पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच की जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। और ये भी कहा गया है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों से पहले ह्यूमन राइट्स को हम तरजीह देते हैं और इसराइल से ये कहते हैं कि वो अपने देश में अपार्टेड को ख़त्म करे। इस चीज़ का फलस्तीनी सिविल सोसाइटी और फलस्तीन ने स्वागत किया है और इसके अलावा फलस्तीनी सिविल सोसाइटी ने कुछ मेजर्स लेने के लिए भी कहा है कैटलोनिया से और स्पेन से, जैसे कि मैं आपको आगे बता देता हूँ। जो इसराइल ने इलीगल सेटलमेंट्स यानी गैर कानूनी बस्तियाँ फलस्तीनी एरिया में बना रखी है वहाँ से जो कुछ भी बनता है या व्यापार होता है वो सब बैन कर दिया जाए, यानी कैटलोनिया और स्पेन की सरकार इसराइल के कंट्रोल वाली इलीगल सेटलमेंट से व्यापार पूरी तरह से ख़त्म करे। मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों में अपनी कई सारी बस्तियाँ बसा रखी है जिसमें लाखों इसराइली रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैलेस्टीनियन पहले कुछ इस तरह से, यहाँ पर पूरा जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं वो पूरा का पूरा पैलेस्टाइन था और जो वाइट वाइट देख रहे हैं वो पहले ज्यूइश सेटलमेंट था 1947 से पहले, लेकिन फिर बाद में पार्टीशन प्लान किया गया 1947 में जिसमें फलस्तीनी इलाका अलग और इसराइली इलाका अलग बताया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाला पूरा फलस्तीन है और जो वाइट वाला है वो इसराइल है और इसमें जेरूसलम का स्टेटस कॉमन रहेगा। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 इसराइल अपनी जो अपार्टहाइड पॉलिसी को अपनाता गया और जो फलस्तीन का जो एरिया है वो खाता गया और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेज़र्स लिए गए हैं इसराइल के द्वारा जिससे कि या तो उनको अपने गांव के गांव पूरे खाली करवा के भगा दिया गया, एक मिलिट्री एक्शन लिया गया और उनको मार दिया गया, पूरा पूरा जेनोसाइड किया गया फलस्तीनी लोगों के साथ। और अब आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में कितना छोटा सा फलस्तीन बचा है और इसराइल कितना बड़ा हो चुका है और उस पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है फलस्तीनी लोगों के साथ, उनके जो मूवमेंट ऑफ उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है, ये कहीं से कहीं पे भी आ जा नहीं सकते हैं, अपने घरों में रहते हैं, काम की फ्रीडम, पानी नहीं मिलता इनको, बिजली टाइम पे नहीं मिलती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए होती हैं, यानी कि इनको तो घर बनाने की परमिशन तक नहीं मिलती और डिमोलिशन और कर देते हैं ये इसराइल वाले, तो वो अलग है, इनके ऊपर हमेशा खतरा ही मंडवाता रहता है कि कब इनका घर तोड़ दिया जाएगा। और अगर देखें 2020 के इसराइली सेटलमेंट के डेटा के अनुसार से तो इसराइली सेटलर जो रहते हैं इन गैर कानूनी बस्तियों में वो 6 लाख से लेकर 7.5 लाख तक इसराइली रहते हैं लगभग 250 सेटलमेंट्स में जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसके अलावा इसराइल के साथ हर तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री और सिक्योरिटी के पर्पज़ से रिलेशन को ख़त्म करना, क्योंकि देखा जाए तो स्पेन में पिछले कुछ महीने पहले एक स्कैंडल हुआ था जिसमें कई कैटलोनिया के मिनिस्टर और स्पेन के मिनिस्टर के फ़ोन पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक कर लिए गए थे। खैर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए यहाँ पर भी विपक्षियों के फ़ोन और जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके फ़ोन भी हैक किए गए थे ताकि जो विरोध है उसको दबाया जा सके। तो पेगासस वाला जो स्कैंडल है वो स्पेन में भी हुआ और वो भी बहुत तगड़े लेवल के हुआ, जिससे ये पता चलता है कि इसराइल स्पेन और कैटलोनिया की जासूसी करता है, तो इसराइल को किसी भी तरीके से मिलिट्री के मामले में सस्पेंड करना और इसके अलावा इसराइल का जो अपार्टेड पॉलिसी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और एक यूनाइटेड नेशन की कमेटी बनाना। अब देखते हैं इसमें से स्पेन की और कैटलोनिया की सरकार क्या क्या स्टेप्स लेती है। खैर ये तो रिकमेंडेशन दे दिए हैं फलस्तीन की सिविल सोसाइटी ने, लेकिन इस चीज़ का सिग्निफिकेंस अभी तो दिखाई नहीं देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो कैटलोनिया और स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है और स्पेनिश सिर्फ स्पेन में नहीं बल्कि ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना को छोड़कर पूरे लैटिन अमेरिका में बोली जाती है और ये भाषा
20 से भी ज्यादा देशों में ऑफिशियल भाषा है। तो यहाँ पर स्पेन के साथ साथ एक ब्रदरहुड वाली भावना आती है इन देशों की, और लैटिन अमेरिकी देशों के इसराइल के साथ संबंध भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कई देशों से फलस्तीनियों को समर्थन मिल सकता है, और सबसे पहला समर्थन तो वेनेजुएला दे देगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान और वेनेजुएला के संबंध भाई भाई के हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले ही वेनेजुएला में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तब ईरान इसकी मदद करने के लिए सामने आया था, और यहाँ पर वेनेजुएला इसराइल के अगेंस्ट भी जा सकता है और इसराइल पर दबाव पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देश इसराइल के साथ संबंधों को रिकंसीडर करेंगे। यानी कि अब समय आ गया है कि वापस से इनको पुनर्मूल्यांकित किया जाए कि क्या हमें इसराइल के साथ अच्छे संबंध रखने हैं या फिर हाँ हजूरी वाली बस। तो ये है अंतिम वीडियो का, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @_ImranSiddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है @I_ImranSiddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।